राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है जिसे आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे सर्च करके ज्योतिष गंगा को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के संपर्क में रहूँ। और हाँ दोस्तों, आप एक बात अवश्य करें, एक चीज़ कि आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो में डाल रखा है उसी का प्रश्न लोग करते हैं मुझसे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गृहारंभ में आपको कैसे क्या करना है, कहाँ प्रथम खुदाई करनी है, उसमें क्या क्या सामान डालना है, उसके विषय में बताऊँगा। तो दोस्तों, गृहारंभ जो होता है उसमें सूर्य की राशि के अनुसार प्रथम खुदाई करके उसमें सामान डालना होता है। तो मेरा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वृषभादि त्रयोविद्यां सिंहादि गृहे गृहे देवालय च मीनादौ तड़ागे मकरादिकम्, कि वृष राशि के अगर सूर्य हों तो तीन तीन राशि, वृष से तीन तीन राशि, नाग का सिर ईशान आदि कोनों में रहता है, और गृहारंभ अगर कर रहे हैं आप, घर बना रहे हैं, तो उसमें सिंह से रहना है, सिंह राशि से तीन तीन राशि, नाग का सिर ईशान आदि कोनों में रहता है, और देवालय च मीनादौ अगर मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर में तीन तीन राशि, मीन से तीन तीन राशि सूर्य, नाग का सिर ईशान आदि कोनों में रहता है। और अगर आप तालाब वगैरह अगर खुदाई करवा रहे हैं, तालाब की खुदाई करवा रहे हैं, तो उसमें नाग का सिर मकर राशि से तीन तीन राशि ईशान आदि कोनों में रहता है। तो ईशान आदि कोनों में रहता है, तो सिर है ईशान कोण में, तो उसकी खुदाई कहाँ करनी है? ईशान कोण में जब सिर हो तो उसका कोख रहता है अग्नि कोण में, और उसका पूंछ रहता है नैऋत्य कोण में। तो खुदाई करनी है कोख में, क्योंकि मुख और पूंछ दोनों वर्जित है। मुख और पूंछ में खुदाई करने से गृह स्वामी का नाश, और पूंछ में संतान का नाश, घर की समृद्धि का नाश होता है। इसलिए खुदाई करना है कोख में। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो तीन राशि सिंह से लीजिए, सिंह कन्या तुला, इन तीन राशियों में नाग का सिर ईशान मुख में होता है, तो उसका कोख होगा अग्निकोण में, तो अग्निकोण में खुदाई होगी। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में नाग चलता है, तो सिंह कन्या तुला में ईशान कोण में उसका मुख, अग्नि कोण में खुदाई होगी। और वृश्चिक धनु मकर, इन तीन राशियों में नाग का सिर चला जाएगा, नाग बढ़कर चला जाता है वायव्य कोण में, उसका मुख वायव्य कोण में होता है, इसलिए खुदाई प्रथम खुदाई ईशान कोण में होगी। वायव्य कोण में मुख, ईशान कोण में कोख, और अग्नि कोण में पूंछ चलाएगा। और कुंभ में मीन मेष, कुंभ मीन और मेष का अगर सूर्य हो तो नाग का सिर नैऋत्य कोण में चला जाता है, और उसका कोख होता है वायव्य कोण में, इसलिए वायव्य कोण में प्रथम खुदाई करें। और वृष मिथुन कर्क, इन तीन राशियों के अगर सूर्य हैं तो नाग का सिर अग्नि कोण में रहता है, और उसका कोख रहता है नैऋत्य कोण में, इसलिए नैऋत्य कोण में उसकी खुदाई करें। अब बात है कि प्रथम खुदाई करके और उसमें डालना क्या क्या सामान है। तो उसमें डालना है आपको मृत्येष्टिकांग सुवर्ण रत्नम धान्य सेवाल संयुतम ताम्र पात्रे स्थितं सर्वं खात मध्ये नियोजयेत। हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा वास्तु शास्त्र यही निर्देश करता है कि मृत्येष्टिकांग अष्ट मृतिका, स्वर्ण सोना, पंचरत्न धान्य सप्त धान्य, और सेवाल इतना हुआ। उसके बाद चांदी का नाग और नागिन, नाग का जोड़ा, कछुआ, मछली, इन सभी को ताम्र पात्रे विन्यस्य खात मध्ये नियोजित। तांबे के एक पात्र में, तांबे की एक घंटी हो छोटी सी, उसमें डालकर उसको मुख बांधकर
लाल कपड़े से उसका मुख बंद कर दीजिए और उसे निर्दिष्ट स्थान में सूर्य की राशि के अनुसार जहां दिन बनता हो उस गड्ढे में वहां प्रथम खुदाई कीजिए और उसमें उसको डालिए। खात और शिलान्यास ये दोनों दो चीज है, दो बातें हैं। खात प्रथम होगा सूर्य की राशि के अनुसार और शिलान्यास के लिए हमारा शास्त्र निर्देश क्या करता है कि शिलान्यास कहाँ करना है उसके विषय में हमारा शास्त्र कहता है कि सूत्र भित्ति शिलान्यासम स्तंभस्यारोपणं तथा पूर्व दक्षिणयोर मध्ये कुर्यादित्याह कश्यपः। हमारा धर्मशास्त्र यही कहता है, ज्योतिष शास्त्र, कि शिलान्यास सूर्य की राशि के अनुसार नहीं होता, उसमें सदैव अग्नि कोण में ही प्रथम शिलान्यास होता है। हमारा शास्त्र का यही निर्देश है। कोई कोई ईशान कोण में भी करते हैं, वो भी ठीक है, उसको भी मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र का निर्देश है कि प्रथम शिलान्यास अग्नि कोण में हो, जिसका श्लोक मैंने आपको प्रमाण का बताया। तो वो सदैव, चाहे सूर्य किसी भी राशि के हों, लेकिन उसका शिलान्यास वहीं पर होगा, अग्नि कोण में ही प्रथम शिलान्यास होगा। और प्रथम खात जो होता है वह जो है सूर्य की राशि के अनुसार होता है। सभी राशियों के सूर्य के लिए मैंने आपको बताया कि कहाँ खात होगा। उस खात में प्रथम खुदाई करके, भूमि का पूजन करके और खुदाई करके उसमें आप इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताया उसको आप डाल दें और उसे फिर बंद कर दें। शिलान ये आपका हुआ खात विधि। आपने खात करके उसमें सर्वप्रथम आपको खात करना है, खात करके और उसमें डाल देना है, उसमें डाल के उसको बंद कर देना है। उसके बाद फिर आपको शिलान्यास करना है। शिलान्यास के नीचे हो, शिलान्यास से भी नीचे हो और घर के बाहरी दीवार में ना हो, घर के अंदर दीवार में हो। आप मान लीजिए 2 फीट का दीवार देंगे, 1.5 फीट का दीवार देंगे, तो दीवार के बाहरी भाग में ना हो, अंदर भाग में ही उसको स्थापित करें और उसे बंद करें। उसके बाद शिलान्यास करें, सर्वप्रथम खात और खात के बाद ही शिलान्यास करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक भी करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, मैं इसमें दूसरी वीडियो में शिलान्यास की विधि भी डाल दूंगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा है शिलान्यास की विधि बताइए, तो मैं उसकी विधि भी इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।